वेलकम बैक। आई एम सॉरी फॉर दी नेटवर्क डिस्टर्बेंस। तो अगर तीसरे नंबर पे कैंडिडेट या 10वें नंबर पे या 50वें नंबर पे 73 मार्क्स हैं उसकी, और 80 नंबर पे आने वाला है उसकी मार्क्स हैं 49, और 110 पे आने वाली की मार्क्स हैं 43, और 160 पे आने वाले की मार्क्स हैं 42, तो वो 85 से लेके 42 तक आएगा और वहीं स्टॉप हो जाएगा। और 41 या 42 40 वाले जो भी कैंडिडेट्स हों, चाहे वो कितने भी हों, उनको ऑफ़र लेटर्स नहीं मिल सकेंगे। हाँ, हम ये करेंगे कि जितनी भी सीट्स हैं या जो तहसील की एक स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसका एक परसेंटेज मुकरर कर देंगे, उनको हम वेटिंग लिस्ट पर रखेंगे। अब ये भी पॉसिबल नहीं हुआ कि सारे के सारे कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट पर रखा जाए। वेटिंग लिस्ट की भी एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि अब पहले वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए थी, अब वेटिंग लिस्ट 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए अगर कोई पोस्ट वैकेंट होगी 2 सालों के दौरान, विद इन 2 ईयर्स, तो वो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो हम एक अंदाजे के मुताबिक जो जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको वेटिंग लिस्ट पर भी टॉप टू बॉटम रख देंगे। लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि सारे के सारे कैंडिडेट्स को, इसलिए कि हमारे पास 81,000, लेकिन ज़ाहिर है हम उतनी ही सीट्स फिल कर सकते हैं जितनी हमारे पास वैकेंसी है या जितनी वैकेंसी हमारे पास आइंदा 2 सालों के दरमियान होने वाली है। उसके बाद कल से इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, और इस नोटिफिकेशन का टाइम, यानी नोटिफिकेशन निकलते ही वो इमीडिएट इफेक्ट हो जाएगा। ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा कि इस बैक डेट से हो या माजी से हो, नहीं, इसका इतलाक उसी वक्त से होगा जिस वक्त वो नोटिफिकेशन इशू होगा। तो उसके बाद फिर जो मेरिट लिस्ट होगी वो तहलका बेस्ड होगी। अब तक की सिचुएशन ये है कि हम 23,000 ऑफर लेटर्स पूरी सिंध में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उन 23,000 में से कई अजला तो ऐसे हैं या कई तहसीलें ऐसी हैं जिनमें 100% सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो उनमें मज़ीद कोई भी ऑफर लेटर नहीं। तहसीलों के नाम मैं आपको बता देता हूं। वो जो कैंडिडेट्स वेटिंग वाले हैं या जो 40 से इवन 55 के दरमियान जो पास हुए हैं, तो वो उनके लिए कोई इस पॉलिसी चेंज से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा उनको। वो तहसीलें हैं, हैदराबाद की 4 तहसीलें, यानी कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद सिटी और हैदराबाद तहलका। ये चारों जो हैं, इनमें पहले से ही 1400 कैंडिडेट्स जो हैं वो वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनकी मार्क्स 55 हैं फीमेल्स की। तो इनके इन आप वो नोट कर लें कि PST के लिए अब वो नया कोई भी फाइल नहीं लेंगे, जितने वेटिंग पे हैं वो वेटिंग पे ही रहेंगे। ऐसे ही तहसील लाड़काना है, तहसील लाड़काना भी फुल हो चुकी है और कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं, इसीलिए तहसील लाड़काना के कोई भी फाइल नहीं जाएगी। मीरपुर खास तहसील है, मीरपुर खास तहसील भी फुल हो चुकी है और इसमें से भी कोई भी नई फाइल नहीं ली जाएगी। यस, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में कुछ और तहसीलें हैं, उन तहसीलों में बहुत सारी कैंडिडेट्स कम पास हुए थे पुरानी पॉलिसी के मुताबिक, और सीटें ज़्यादा थी तो वो सीटें बच रही थी। यस, जितनी सीटें बच रही हैं आप उतने या उससे 10% आगे के तक आ जाएं। मीरपुर खास पहले से ही फुल है और उसमें कई कैंडिडेट्स वेटिंग पे हैं। मेरे ख्याल में कि तहलका हुसैन बख्श मरी कंबर तहलका फुल है, और कंबर ज़िले की डिस्ट्रिक्ट की और तहसीलें भी मेरे ख्याल में या तो कम्प्लीटली फुल हो चुकी हैं या कोई एक आध सीट रहती होगी, तो उस वो भी वेटिंग वाले आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी कोई सीट नहीं रहती, क्योंकि कुछ चंद दिन पहले मैंने देखा था कि कंबर के कई कैंडिडेट्स जो वेटिंग पे थे वो मुजाहरा कर रहे थे कि हमें अकोमोडेट किया जाए। जहाँ वेटिंग वाले मुजाहरा कर रहे हों तो वहाँ और मज़ीद कोई कैंडिडेट्स से कोई फाइल नहीं ली जाएगी। इसी तरह से कराची ईस्ट है, उसमें भी फुल हो चुके हैं, जितनी भी सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। और भी कई तहसीलें हैं, जैसे मेरे ख्याल में मटियाली जो है तहसील,
वो भी फुल हो चुकी है, और भी तहसीलें हैं जो कि फुल हो चुकी हैं। जो फुल तहसीलें हैं उनमें से किसी से भी कोई फाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, अब जितने जितनी तहसीलों में फाइल लिए जा चुके हैं उन सब तहसीलों में आज के आज से उसको फ्रीज किया जाएगा। प्राइमरी साइट जो है उसको अभी फ्रीज कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि अभी हमने सेकेंडरी को स्टार्ट करना है, जीएसटी को स्टार्ट करना है। आपके इलम में होगा कि जीएसटी को हम पहले स्टार्ट कर चुके थे, फिर ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म आ गया, स्टे आ गया, तो हमने रोक दिया था और फिर प्राइमरी का शुरू किया था प्रोसेस। अब जीएसटी का प्रोसेस इशू करने की ज़रूरत इसलिए है, शुरू करने की ज़रूरत इसलिए है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मेरे ख्याल में 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीएसटी और जीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है, वो कैंडिडेट्स और जीएसटी के लिए टॉप टू बॉटम तहसील वाइज लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के मुताबिक ऑफर लेटर्स जारी किए जाएंगे जीएसटी के। जीएसटी के कैंडिडेट्स कम हैं, सीटें कम हैं, पीएसटी की सीटें ज़्यादा हैं, तो जितना टाइम हमने पीएसटी में लगा है उससे बहुत कम टाइम में जीएसटी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और कल का दिन हम छोड़ेंगे, कल के दिन में हम थोड़ा सा वर्कआउट ये करेंगे कि अब हमारे पास सीटें मौजूद हैं, हमारे पास डेटा है वो सारा मौजूद है। पीएसटी के प्रोसेस में कई कैंडिडेट्स ये शिकायत कर रहे थे कि डीओ साहिबान लिस्ट वाजे नहीं कर रहे कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसकी कितनी मार्क्स हैं, वो हमें नहीं बता रहे। और ये भी था कि वैकेंसी पोजीशन कितनी है वो नहीं बता रहे। तो अब ये डीओ साहिबान को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया है पहले से ही, ये हम आपको बताएंगे। हर तहसील के कितने कैंडिडेट्स मेल पास, कितने मेल आ रहे हैं उस कैटेगरी में जो कि जितनी सीटें हैं उस हिसाब से, और कितनी फीमेल्स आ रही हैं, उन सब की लिस्ट हम अपने जो पेज है फेसबुक पेज, हम उस पे तहसील वाइज करके डिस्प्ले कर देंगे। आप अपना नाम देख सकते हैं, दूसरों का भी नाम देख सकते हैं, उनकी मार्क्स भी देख सकते हैं और कितनी वैकेंसी है वो भी देख सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे तहलका जाम नवाजली में लेटेस्ट 8 पोस्टें खाली हैं, तो हम 65 या 70 जीएसटी के जो भी पास कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट हम डिस्प्ले कर देंगे पूरे तहसील की, और मेरिट वाइज होगी वो, यानी जिसका पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे, उनके मार्क्स भी लिखी हुई होंगी। और उसके बाद हम जो फीमेल हैं उनका भी एक मेरिट बना के, कितनी सीटें हैं लेडर्स से के फीमेल की, 40 सीटें हैं जाम नवाज अली में, तो हम 45 या 50 सिबल नहीं होगा सबसे लेके, आप बहुत अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आप जो DRC करेंगे अब वो UC वाइज नहीं होगी बल्कि तहलका वाइज होगी, तो एक ही टाइम पे आप उनकी फाइल्स ले लेंगे। जितनी भी सीटें हैं उससे एक रफ आइडिया के मुताबिक 10 या 15%, कहीं 10% ज़्यादा होगा, कहीं 5%, कहीं 15%, क्योंकि वो वेटिंग वाले होंगे, जो भी ज़्यादा होंगे वो वेटिंग वाले होंगे। और अगर 2 सालों के दौरान उन जो वेटिंग वाले कैंडिडेट से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो उसके बाद भी हमारे पास डेटा मौजूद है, जो भी होगी सीट वैकेंट वो सीट हम जो भी उसके बाद भी होंगे वेटिंग वाले हम उनको दे देंगे। एक और चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ अभी दोबारा बता रहा हूँ, वो ये कि जिन कैंडिडेट्स ने PST के प्रोसेस के दौरान मेडिकल करवाया है और पुलिस रिपोर्ट करवाई है, उनको GST के प्रोसेस के दौरान पुलिस कर उसके साथ मेडिकल उसके साथ पुलिस रिपोर्ट लेके सबमिट करवा दें DO साहब के पास। DO ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट ऑर्डर बना के डायरेक्टर साहिबान को भेजेंगे, उसमें चंद दिन लग सकते हैं क्योंकि डायरेक्टर साहिबान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हज़ारों की तादाद में सिग्नेचर्स करने हैं और एक कैंडिडेट की एक सिग्नेचर नहीं होती,
उसकी कई कापियाँ बनती हैं, तो वो डायरेक्टर साहिबान उस पर बैठ के सिग्नेचर करेंगे। वो सिग्नेचर होते ही आपको एक डेढ़ हफ्ते के अंदर, या किसी केस में बड़ी तहसील है या डायरेक्टर साहब पे काम का दबाव हो तो 2-2.5 हफ्ते लग सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द आपको अपॉइंटमेंट आर्डर मिल जाए। अपॉइंटमेंट आर्डर मिलते ही JST साहिबान अपने स्कूल्स में, बेशक वैकेशन हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ जाके इसको, आपको स्कूल बंद है कैसे आप जाएं, तो आप उस तहसील के TO से रابطہ करेंगे, वो आपको फर्दर गाइड करेगा, या आप अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, हम एक कोशिश करेंगे, मैं देखता हूँ एक कोई टेम्पलेट बना के ज्वाइनिंग का भी वो हम आपसे शेयर कर देंगे, आप उसमें अपना नाम, हर चीज़, ऑफर लेटर की, अपना अपॉइंटमेंट आर्डर की का रेफरेंस दे के, और सिर्फ वही लेके जाएं ताकि वो आसानी रहे। हो सकता है कि हम इस सिस्टम का कोई फॉर्म, कोई टेम्पलेट बना दें ज्वाइनिंग रिपोर्ट का। तो ये JST का हो गया, और अब जब ये JST का कंप्लीट हो जाएगा तो अभी जो PST वाले कैंडिडेट जहाँ बैठे हैं, क्योंकि 7-8 हज़ार या 10 हज़ार कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर मिल चुके, अब उन पोस्टों पे और बाकी जो पोस्टें रहती हैं उन पे मिला के ये प्रोसेस दोबारा हम शुरू करेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि सबकी विद इन वेकेशन ऑफर लेटर्स और ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि नया सेशन, एकेडमिक सेशन हमारा अगस्त से शुरू हो रहा है, और मेरी कोशिश है, मेरी दरख्वास्त है सबसे कि मिल के सब मेहनत करके आने वाला जो सेशन है एकेडमिक सेशन, उसमें सारे असातिज़ा सारे स्कूल्स में पहुंच जाएं, तो जो क्लोज्ड स्कूल्स हैं वो खुल जाएं, हमारा दिल खुश होगा उनको स्कूल को खुला हुआ देख के, वो बच्चे, वो वालदेन खुश होंगे आप जब स्कूल्स में जाएंगे, और उन स्कूल्स में जहाँ JST जाएंगे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, तो जहाँ टीचर्स की शार्टेज है वहाँ जाएंगे बच्चे देख के, आप वो खुश होंगे। ये आपका बहुत बड़ा एक स्टेप है, आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं और एक इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट में रहेंगे आप। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पास लड़के लड़कियाँ पास करके आए हैं उनमें से 90% या इससे भी ज़्यादा जो है वो हाईली क्वालिफाइड हैं। कोई MS है, कोई BS 4 ईयर्स का किया हुआ है, किसी ने किसी, कोई BE है, इंजीनियरिंग है, कोई और कोई डिग्री ली हुई है किसी ने, तो ये वी नीड्स क्वालिफाइड टीचर्स, वी नीड कॉम्पिटेंट टीचर्स। हमारा तालीम का निज़ाम तब ही बेहतर होगा जब हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स आए, उसके बाद जब आप आ जाएंगे तो आपके इंडक्शन ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग 4 हफ्ते की होगी, जहां आपको एक तारुफी कोर्स कराया जाएगा हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। उस कोर्स के बाद आप पढ़ाएंगे स्कूल्स में, और फिर उसके बाद फिर दो चीज़ें होंगी, एक CPD हम उसको कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो आपकी होती रहेगी, और उसके बाद फिर आपको BEd या जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो भी लेने के मौके मिलेंगे, वो आप लेंगे, उसके बाद ही आपके आगे प्रमोशन होगी। अब प्रमोशन सिस्टम भी बेहतर है, आप आगे जाएंगे और इंशाल्लाह अगले ग्रेड्स में भी आप जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, इसी में मेरे ख्याल में जो जितनी चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं, और इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आई तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। एक मरतबा फिर मैं रिवाइज़ कर दूँ कि जो पहनता है मेल्स के लिए भी, फीमेल के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी, यस, हार्ड एरियाज के लिए और डिसेबल के लिए में कोई तब्दीली नहीं हुई, जो 33 पे थे वो 33 पे ही पास हैं। एक और चीज़ है कि कुछ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुछ नाम आपको बता सकता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के की तहसीलें हैं, तनो मोमन खान की तहसीलें हैं, और सिजाउन है, इन तहसीलों में 40 कई कई लोग ऐसे हैं जो 40 पे भी पास नहीं हो रहे, और सीटें बच रही थी। जो 40 पे हैं इन जिनका नाम मैंने लिया है, ऐसे 18 तहसीलें हैं, इनमें जो भी 40 तक मेल फीमेल आए हैं उन सबको स्ट्रेट अवे ऑफर लेटर्स मिल जाएंगे, फिर भी सीटें बच जाएंगी। तो फिर 40 से कम वाले जो हैं
उनके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है कि उनको ऑफर किया जाएगा कि आप आएं और हमारे टीटीआई में एक कोर्स करें। वो टीटीआई में कोर्स करेंगे, एक रिगरस कोर्स उनको कराया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद उनको कहा जाएगा कि ये एग्ज़ाम आप दोबारा दें। वो थर्ड पार्टी आईए या किसी और को हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर उन्होंने वो स्पेशल एग्ज़ाम पास कर लिया, एक मौका दे रहे हैं उनको उन तहसीलों को जहाँ 40 पे भी लड़के लड़कियाँ हमें नहीं मिल रहे, तो उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के बाद वो आके हमारे स्कूल्स को ओपन। 2 साल तक हो गई है, मेरिट जो इशू हो गए हैं वो इशू हो गए, वो कल की पॉलिसी थी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। अब भी कैंडिडेट बचते हैं, चाहे वो उन्हीं यूसीज के बचे हुए कैंडिडेट हों या नए पास कैंडिडेट्स हों, वो सब के सब, जितने भी कैंडिडेट सब रहते हैं, वो सब के सब अब इसके लिए एलिजिबल हो गए तहलका बेस पे। अगर वैकेंसी पोजीशन है तो मिसाल के तौर पे किसी तहसील में, टंडोलहर में लेटस से सपोज करते हैं, या कोटड़ी में,